चरण मथुरा का की है। कर्म हमारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा का की है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने बूढ़े मावकों की सेवा करो। जो हालत आज कल काल में बूढ़े मावकों की वो किसी की नहीं। अरे जिस माँ ने 9 महीने तक इस कोख में हमें उस भार को ढोया है, आज उसी माँ को नकार रहे हैं। आज दुनिया में वृद्ध आश्रम बन गए, माँ को पिता को उस वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आ रहे हैं। ऐसा फायदा क्या है? सेवा करनी है तो माँ बापों की सेवा। एक बूढ़ी माँ था ना, तो एक उसका बेटा डॉक्टर था। उसने अपनी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़कर के, जब अंतिम समय आया, डॉक्टरों ने फोन किया, आश्रम वालों ने फोन किया कि आपकी माँ का अंतिम समय है, बहुत ज्यादा बीमार है। तो जब जब बेटा माँ के पास गया, माँ क्या हो गया है? तो माँ ने अंतिम श्वास में भी यही कहा था, बेटा तू ठीक तो है ना, तेरे बाल गोपाल सब ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। बेटा तुझे भगवान ने सब चीज दिया है, तुझे भगवान ने सब चीज से परिपूर्ण किया है। बेटा इस आश्रम में बहुत ज्यादा गर्मी है, तेरे को भगवान ने बहुत पैसा दिया है, अगर हो सके तो इस आश्रम में 2-4 पंखे लगा देना। कल के दिन तुझे तेरे बेटे भी अगर इस वृद्ध आश्रम में छोड़ करके छोड़ने के लिए आएंगे, बेटा मैंने तुझे गर्मी सहन कर ली, लेकिन तू इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। तेरा ऐसा शरीर है कि तू इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। रो पड़ा बेटा, रोने लग गया। माँ बापों का दुख तब याद आता है जब अपना बेटा जीवन में होता है। वो माँ कह रही है, बेटा कल के दिन तेरा बेटा भी तुझे ऐसी इस वृद्ध आश्रम में लाएगा। मैंने तो अपना जीवन काट लिया है, लेकिन तेरा इतना कोमल शरीर है, तेरे को हमने आज तक किसी चीज की कमी नहीं दी। बेटा तू इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, तू पंखे जरूर लगा। आज भी बेटे के लिए सोचा, इसलिए जीवन में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अपने माँ बापों की सेवा करना, उससे बढ़कर के संसार में कोई कथा नहीं है। मत सुनना कथा, मत करना दान, मत जाना कथा में, लेकिन अपने माँ बापों को, बूढ़े माता पिता को खुश रखना। जब कहीं से आते हैं तो उन माँ बापों को प्रेम से पुकार देना, और कभी भी जब इन 4 जगह जाओगे तो कभी खाली हाथ मत जाना। माता पिता के दरबार में, माता पिता के पास जाते, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, एक ही टॉफी लेके जाना अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, तो उस टॉफी से भी प्रसन्न हो जाएगा। माँ बापों की सेवा करना आज कल काल में जो हालत बूढ़े माँ बापों की वो किसी की नहीं। इसलिए आज माँ ने हृदय से लगाया, बेटी तूने ठीक किया तो आ गई है। माँ को हृदय से लगाया, सती मैया अंदर नहीं गई, सीधे जो है सती मैया राजभवन के अंदर गई, जहाँ यज्ञ हो रहा था। जैसी गई यज्ञशाला में गई, तो सती मैया ने एक तरफ से देखा, सब 33 कोटि देवी देवताओं के आसन लगे हैं, लेकिन भगवान शंकर का कहीं आसन नहीं लगा हुआ।